दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे के बाद अब टेस्ट में भारतीय टीम ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद टेस्ट सीरीज के पहले दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का तहलका देखने को मिला है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने ऐसा प्रदर्शन कर दिया है जिसके सामने विरोधी टीम भी नतमस्तक होने को मजबूर हो गई। तीनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को एक एक करके रिमांड पर लिया और पहले दिन का मुकाबला अपने कब्जे में हासिल कर लिया। कैसे इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले दिन उत्पात मचाया ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे में इज्जत गंवाने के बाद टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने अपने हाथ आजमाया, जहां पर आज खेले गए पहले मुकाबले में दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने आए, जहां पर विरोधी टीम के कप्तान शाकिब अल हसन के सामने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तान बने केएल राहुल ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए 412 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। दरअसल भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए 6 टेस्ट मुकाबलों में से 5 में जीत चाहिए। ऐसे में हर मैच जीतना बेहद जरूरी है, जहां पर इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के ज्यादातर बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और लंबी पारी खेली और भारतीय टीम के लिए जीत की नींव रख दी। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में राहुल आए और उनका साथ देने के लिए शुभमन गिल भी खेलते हुए दिखाई दिए। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को एक शानदार शुरुआत देने की कोशिश की, हालांकि उनको मालूम था ये दोनों बल्लेबाज एक दीवार की तरह डटकर बल्लेबाजी करने लगेंगे, जिसमें शुभमन गिल और केएल राहुल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 67 रन की साझेदारी कर डाली। इस बीच उन्होंने गेंदबाज मेहंदी हसन को 11 ओवर में 2 चौके समेत 13 रन उड़ा दिए। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में 28 रन के स्कोर पर 13 ओवर में इबादत हसैन की गेंद पर लग गया, परंतु अब बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए, जिनको भारतीय टीम की दीवार भी कहा जाता है। भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ की तरह बल्लेबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने शानदार प्रदर्शन तो किया, साथ ही साथ हर बार की तरह इस बार भी विरोधी टीम को परेशान कर दिया। उन्होंने अपना पहला रन 28 गेंद पर खोला, जिसके बाद इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने केएल राहुल के साथ मिलकर 50 रन की साझेदारी कर डाली, जहां पर भारतीय टीम को दूसरा झटका 120 रन के स्कोर पर लग गया, जहां पर चेतेश्वर पुजारा के सामने अर्धशतक पूरा करने के बाद 59 रन के स्कोर पर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर राहुल LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, लेकिन इसी बीच पहला सत्र समाप्त हो गया और 32 ओवर में भारतीय टीम ने 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। लेकिन जब दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली दोनों ने मिलकर टीम को अलग ही अंदाज से संभाल लिया। इसमें विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा दोनों ने अपना अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ विरोधी टीम के भी होश उड़ा दिए। विराट कोहली ने इसी बीच 40 ओवर में गेंदबाजी हसन को 3 चौके लगा दिए और उन्हें अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद तो कप्तान शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी करने के लिए मेहंदी हसन को बुलाया ही नहीं। हालांकि विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा से बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से चेतेश्वर पुजारा से पहले अर्धशतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, सत्र में चेतेश्वर पुजारा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम ने इस सत्र में 105 रन बिना विकेट गंवाकर बना दिए। हालांकि अभी 2 सत्र समाप्त हो गए थे, जिसमें भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम ने 2 सत्र के दौरान 235 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए, लेकिन अभी भी अंतिम सत्र बाकी था, जहां पर अंतिम सत्र में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान शाकिब अल हसन ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। भारतीय टीम के लिए शाकिब अल हसन ने एक ही ओवर के अंदर 2 विकेट गिरा दिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से
बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे चेतेश्वर पुजारा को उन्होंने 51 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर को बिना खाता खोले LBW आउट कर दिया। इसके बाद पूरा का पूरा दबाव भारतीय टीम पर आ गया। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए। ऋषभ पंत ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के होश तोड़ा दिए, साथ ही साथ सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों ले लिया। ऋषभ पंत ने एक तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक तो 55 गेंदों के अंदर पूरा किया ही, साथ ही साथ आगे ले जाते हुए शतक भी पूरा करने की कोशिश की। इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए इबादत हुसैन ने ऋषभ पंत को 78 ओवर में 65 रन के स्कोर पर 7 चौके और 2 छक्के लगाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना शतक लगाकर विरोधी टीम को नचा दिया। भारतीय टीम के आधे विकेट 345 रन के स्कोर पर गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आए। हालांकि रविचंद्रन अश्विन शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम ने 90 ओवर के अंदर 412 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने 31 रन की पारी खेली। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 110 रन की नाबाद पारी खेली और अंतिम सत्र में भारतीय टीम ने 178 रन बटोर लिए। हालांकि पूरा का पूरा पहले दिन का खेल भारतीय टीम के पक्ष में रहा, लेकिन असली मजा दूसरे दिन आने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मुकाबले से पहले दिन भारतीय टीम कितने रन बना पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।